नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल मिश्रा और मैं आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल माई पाठशाला में और पाठशाला रेलवे एग्जाम। तो रोज की तरह आज भी आपके लिए करंट अफेयर्स लेकर आ गया हूं। नया मंथ है और नई सारी न्यूज है, तो उनके बारे में जरूर चर्चा करेंगे। लेकिन एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट ये है कि जून का जो पूरा मंथ का कंपाइल PDF है वो आज के वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में आपको मिल जाएगा। तो अच्छी बात है ना, ये पूरे जून का जो भी है वो एक तरह से बुकलेट आपके पास बन जाती है कि हर दिन का जो भी आपका PDF रहता है वो मैं कंपाइल करके आपको दे देता हूं। उससे ये होगा कि जब तक मैं मंथली करंट अफेयर्स का वीडियो नहीं बना पाता हूं तब तक आप कम से कम उसको पढ़कर या उसको एक बार रिवाइज करके देख सकते हैं। देखिए, आप PDF तो बड़े गर्मजोशी के साथ मांगते हैं कि सर PDF दे दिया करिए, लेकिन एक बार उसको देख भी लिया करिए। कभी बस में चलते हुए देख लीजिए, कभी इधर उधर चलते हुए देख लीजिए। आप कहेंगे सर केवल यही काम रह तो रह गया है, तो बेटा यही काम रह गया है। अगर आप यही काम नहीं करेंगे तो आगे आने वाले समय में मुसीबतों का सामना कर सकते हैं। लेकिन ईश्वर करे कि आप जल्द से जल्द सिलेक्शन पाएं, जल्द से जल्द आपके एग्जाम हो। इसी आशा के साथ आज के करंट अफेयर्स को शुरुआत करते हैं। 1 जुलाई, किस राज्य में भारत का पहला कवक पार्क विकसित किया गया है? पहला ही क्वेश्चन बेहद इंपॉर्टेंट हो गया, लेकिन इस क्वेश्चन पर चलेंगे थोड़ी देर बाद। पहले देख लेते हैं कुछ और न्यूज। एट वन क्लिक एक पोर्टल बनाया गया है, और इस क्लिक का जो पोर्टल है, ये जो पोर्टल बनाया गया है, ये जो वेबसाइट बनाई गई है, इसका सीधा सा उद्देश्य ये है कि जो आपके MSME होते हैं, इंटरप्राइजेस होते हैं, यानी कि सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग जो भी होते हैं, उनको लॉकडाउन का जो भी प्रभाव रहा उसे बचाने के लिए उनको सरकारी सहायता प्रदान की जाए लोन के फॉर्म में, यानी कि ऋण के फॉर्म में। तो हाल फिलहाल गुजरात के मुख्यमंत्री, अब आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि ये न्यूज किससे रिलेट कर रही है। एट वन क्लिक जो योजना है ये गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी जी ने राज्य के तकरीबन, वैसे 12,772 है, लेकिन लगभग 13,000 आप मान सकते हैं सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यमों की सहायता करने के लिए एट वन क्लिक नाम से एक पहल की शुरुआत की है। इसमें क्या होगा, एट वन क्लिक नामक इस ऑनलाइन वित्तीय सहायता पहल के तहत गुजरात सरकार द्वारा MSME और बड़ी औद्योगिक इकाइयों को वित्तीय सहायता दी जाएगी। मामला यहीं पर फिनिश हो जाता है। इस पहल के माध्यम से राज्य सरकार राज्य के MSME व्यापारियों, बड़े उद्योगों, व्यवसाय आदि को प्रेरित करके राज्य की अर्थव्यवस्था को पुनः पटरी पर लाने का प्रयास करेगी। इस योजना के लिए राज्य सरकार ने कुल 8,200 करोड़ रुपए की ऋण राशि को मंजूरी दी है, जिसमें 4,175 करोड़ रुपए पहले ही वितरित किए जा चुके हैं। तो एट वन क्लिक नामक ये परियोजना जो है ये किसने शुरू की है, गुजरात सरकार ने शुरू की है। अब गुजरात की बात छिड़ गई है तो चलिए आपको पिछले कुछ महीने का करंट अफेयर्स करा देते हैं गुजरात का। ये जो मेरी पहल है पूरे पिछले 6 महीनों का करंट अफेयर्स कराने की, ये आपको कैसी लगती है कभी कभी बता भी दिया करिए, अपने दिल का हाल हमें भी सुना दिया करिए। तो पहला तो ये है कि आत्मनिर्भर गुजरात सहाय योजना, कुछ समय पहले गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी जी ने, मुझे लगता है 1 महीना भी नहीं हुआ होगा, उन्होंने आत्मनिर्भर गुजरात सहाय योजना शुरू की थी। इसमें 1,00,000 रुपए तक का जो लोन है वो 2% इंटरेस्ट पर दिया जाएगा। किनको दिया जाएगा, जो नाई है, जो छोटे उद्योग धंधे चलाने वाले हैं, रेहड़ी वाले हैं, और जैसे प्रेस करने वाले हैं, तो जो छोटे छोटे दुकान चलाते हैं उनको ये लोन दिया जाएगा 1,00,000 रुपए का 2% वार्षिक ब्याज की दर पर। आगे बात, 31वां अंतरराष्ट्रीय पतंग महोत्सव कहां हुआ, अहमदाबाद गुजरात में। 8 नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट जो हैं, यानी कि 8 जो पूर्वोत्तर राज्य हैं, वो मिलकर के एक मेला मनाते हैं, माधवपुर का मेला। ये माधवपुर का मेला जो है ये गुजरात में हुआ, और ये प्रश्न SSC CGL ने इस बार प्री परीक्षा में पूछा था Tier 1 में। अच्छा, माधवपुर का जो मेला है उन्होंने ये नहीं पूछा था कहां हुआ था, उन्होंने ये पूछा था माधवपुर का जो मेला है उसमें किस भगवान के लिए या किस गॉड के लिए पूजा अर्चना की जाती है, और श्री कृष्ण के साथ किस देवी की पूजा की जाती है। तो उसमें श्री कृष्ण और रुक्मणी के विवाह संबंधी बातचीत की जाती है, विवाह संबंधी आयोजन किए जाते हैं, और ये मिस्मी जनजाति जो अरुणाचल प्रदेश से बिलोंग करती है, मिस्मी जनजाति द्वारा मनाया जाने वाला सबसे बड़ा पर्व है। आगे, प्रधानमंत्री जी ने अभी हाल ही में, नरेंद्र मोदी जी ने तीसरा वैश्विक आलू सम्मेलन जो है ये गुजरात के गांधीनगर में आयोजित करवाया था। 3 जनवरी 2020 को
श्री विजय रूपानी, रमिक लाल रूपानी जी ने विश्व के दूसरे सबसे बड़े, यानी दूसरे सबसे बड़े सरदार वल्लभ भाई पटेल के स्टैचू का अनावरण किया। ये सारदार धाम कैंपस नियर वैष्णो देवी सर्किल अहमदाबाद गुजरात। तो अहमदाबाद गुजरात में उन्होंने विश्व के सबसे बड़ी सरदार पटेल जी की प्रतिमा का अनावरण, स्टैचू का अनावरण किया, जो सबसे दूसरी सबसे बड़ी, जो सबसे बड़ी है वो तो नर्मदा केवड़िया में है ना, इसे स्टैचू ऑफ यूनिटी कहते हैं। पहला संस्करण कृषि मंथन का 2020 में यह अहमदाबाद गुजरात में देखने को मिला था। गुजरात जो है यह जल सुधार क्षमता में, यानी कि वाटर एफिशिएंसी सर्वे में गुजरात ने पहला स्थान पाया था, यानी कि जहां पर भी जल का जो प्रबंधन है, भूजल का जो प्रबंधन है वो सबसे अच्छा वो गुजरात में है, जबकि सबसे खराब पाया गया दिल्ली में। इंडिया है जिसने भारत ने इस बार 13वां कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी कंजर्वेशन ऑफ माइग्रेटरी स्पीसीज वाइल्ड एनिमल्स इन गुजरात में आयोजित हुआ था, यानी प्रवासी जातियों के संरक्षण पर आधारित एक सम्मेलन, इंटरनेशनल सम्मेलन, जो 13वां संस्करण था वो आपको गुजरात में देखने को मिला, जिसकी थीम थी माइग्रेटरी स्पीसीज कनेक्ट द प्लेनेट एंड वी वेलकम देम होम, यानी कि प्रवासी जाति ग्रहों को कनेक्ट करते हैं और हम उनका स्वागत अपने घरों पर करते हैं। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड जो था वो इसका मस्कट रहा था, यानी कि राजस्थान का राजकीय पक्षी जिसे गोदावन कहा जाता है वो इस कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 13वें कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी का मस्कट यानी शुभंकर था। गुजरात पुलिस देश की पहली ऐसी पुलिस है जिसने अपने सिपाहियों को टेजर गन दी है, टेजर गन इलेक्ट्रिक शॉक देती है। यूरोप और अमेरिका में इस तरह की गन काफी ज्यादा प्रचलित है। गुजरात सरकार ने अभी हाल ही में एक डच फ्लाइंग कार मेकर, यानी कि उड़ने वाली कार पॉल वी लिबर्टी को बनाने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। पांचवा संस्करण इंडिया फार्मा एंड इंडिया मेडिकल डिवाइस कॉन्फ्रेंस जो हुआ, यह आपका गांधीनगर गुजरात में आयोजित हुआ। गुजरात सरकार ने अभी हाल ही में एक यूनिक इनिशिएटिव, यानी कि एक अपनी तरह का पहल शुरू की थी, उम्बारे आंगनवाड़ी, जो बच्चे लॉकडाउन के दौरान जो बच्चे मिड डे मील नहीं पा रहे थे वो अपना भोजन प्राप्त करते रहे, तो इसके लिए उन्होंने उम्बारे आंगनवाड़ी नाम की एक परियोजना शुरू की थी। कर्नाटका जो है उसने सबसे ज्यादा अभी तक रिन्यूएबल कैपेसिटी, यानी कि रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज के मामले में कर्नाटका ने सबसे ज्यादा रूफटॉप लगा रखे हैं, जबकि अगर हम बात करें तो दूसरे नंबर पर गुजरात का नाम है। कैपिटल की बात करें तो गांधीनगर, सीएम विजय रूपानी जी बीजेपी हैं, बीजेपी से आते हैं, यानी भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं और राजकोट से बिलोंग करते हैं। गवर्नर हैं आचार्य देवव्रत। फ्लावर राजकीय फ्लावर, स्टेट फ्लावर जो है मैरीगोल्ड यानी गेंदा, फ्रूट मैंगो, और स्टेट एनिमल एशियाटिक लायन। एशियाटिक लायन का मतलब आप समझ रहे हैं, गिर के शेर, कभी तो पधारो गुजरात में ऐसा बोला जाता है ना, गिर के शेर देखने के लिए अमिताभ बच्चन इसका ब्रांड एम्बेसडरिंग करते थे। स्टेट बर्ड है ग्रेट फ्लेमिंगो, और स्टेट ट्री है, स्टेट ट्री यानी कि जो वृक्ष है वो है बनियान ट्री, यानी बरगद का वृक्ष। यही सारी जानकारी आपको हिंदी में भी देखने को मिलेगी, बाकी पीडीएफ में भी मिल जाएगी। अगली जानकारी की तरफ चलें तो वर्ल्ड बैंक ने अभी हाल ही में स्टार्स का फुल फॉर्म याद रखिएगा, स्ट्रेंथनिंग टीचिंग लर्निंग एंड रिजल्ट्स फॉर स्टेट प्रोग्राम नाम का, बच्चों की पढ़ाई लिखाई को सुधारने के लिए, स्कूली शिक्षा का स्तर बढ़ाने के लिए एक प्रोग्राम लॉन्च किया, और इसके लिए उन्होंने हमें दिए $500 मिलियन का लोन। तो हाल ही में विश्व बैंक के निदेशक मंडल ने भारत के 6 राज्यों के सरकारी स्कूलों की शिक्षा पद्धति में सुधार के लिए $500 मिलियन की एक नई परियोजना को मंजूरी दी है। 6 राज्यों से याद आया कि कल मैंने आपको बताया था कि 6 राज्यों में एक योजना और शुरू की गई है, गरीब रोजगार कल्याण योजना, गरीब रोजगार कल्याण अभियान, गरीब कल्याण रोजगार अभियान इस तरह से कुछ है। ये योजना भी 6 राज्यों में शुरू की गई है, और ये बिहार के केवड़िया जिले से 20 जून में शुरू की गई थी। बिहार के खगड़िया जिले से ये 20 जून को शुरू की थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। इसको अभी हाल ही में लॉन्च किया गया 6 राज्यों में। फिलहाल दूसरी योजना है जिसमें स्टार्स नाम का प्रोग्राम है, यानी कि टीचिंग और लर्निंग को जो है वो बेटर बनाना है। नामक इस परियोजना को देश के कुल 6 राज्य हिमाचल प्रदेश, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा और राजस्थान में केंद्रीय योजना समग्र शिक्षा अभियान के माध्यम से लागू किया जाएगा। विश्व बैंक के अनुसार स्टार्स परियोजना
स्कूलों में मूल्यांकन प्रणाली को बेहतर बनाने और स्कूलों के शासन तथा विकेंद्रीकृत प्रबंधन को मजबूत करने में मदद करेगी। विश्व बैंक की इस परियोजना के माध्यम से लगभग 15 लाख स्कूल के 6 से 17 वर्ष की आयु के 25 करोड़ छात्रों और 1 करोड़ से अधिक शिक्षकों को फायदा पहुंचेगा। तो वर्ल्ड बैंक की अगर हम बात करें तो वर्ल्ड बैंक एक विशिष्ट संस्था है और ये वित्तीय संस्था है जो कि अपने सदस्य देशों को लोन वगैरह प्रदान करती है। इसका मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में है। वर्तमान समय में डेविड मालपास जो है वो इसके हेड है और अंशुला कांत जो है जो भारत के SBI यानी कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की आपकी मैनेजिंग डायरेक्टर रह चुकी हैं, उनको वहां पर चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर यानी कि मुख्य वित्तीय अधिकारी के तौर पर पदभार उन्होंने ग्रहण किया है। और जुलाई 1944 में वर्ल्ड बैंक की स्थापना हुई थी। अगली जानकारी की तरफ चलें तो एक भारत के युवा अंपायर हैं नितिन मेनन, उनको ICC के एलीट अंपायर पैनल में शामिल किया गया है। ये भारत के लिए गर्व की बात है क्योंकि अभी तक कुछ ज्यादा लोग ये अचीवमेंट हासिल नहीं कर पाए हैं। तो भारत के युवा अंपायर नितिन मेनन 2020-21 के लिए अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के अंपायरों के एलीट पैनल में शामिल किए गए हैं। उन्हें इंग्लैंड के नाइजेल लॉन्ग के स्थान पर लिया गया है। मेनन ICC अंपायरों के एलीट पैनल में अभी शामिल सबसे युवा अंपायर होंगे। ICC के महाप्रबंधक जेफ एलरडाइस, पूर्व खिलाड़ी और कमेंटेटर संजय मांजेकर और मैच रेफरियों के रंजन मधुगिले और डेविड बून की चयन समिति ने मेनन का चुनाव किया था। नितिन मेनन इससे पहले अंपायरों के एमिरेट्स ICC अंतर्राष्ट्रीय पैनल का हिस्सा थे। वह इस सूची में जगह बनाने वाले पूर्व कप्तान श्रीनिवास वेंकट राघवन और सुंदरम रवि के बाद तीसरे भारतीय हैं। रवि को पिछले साल इससे बाहर कर दिया गया था। तो हाल फिलहाल नितिन मेनन का नाम आप जरूर याद रखिएगा, ये एलीट पैनल में शामिल हो गए हैं, मतलब कि जो ICC द्वारा मान्यता प्राप्त सर्वोच्च अंपायर हैं उनके पैनल में वो शामिल है। ICC की बात करें तो ICC का मुख्यालय दुबई संयुक्त अरब अमीरात में है। वर्तमान समय में इसके अध्यक्ष हैं शशांक मनोहर और CEO है मनु सहानी। अगली जानकारी तब चलते हैं, भूटान सरकार और भारत सरकार के बीच एक जल विद्युत परियोजना और एक पन बिजली परियोजना के समझौते पर हस्ताक्षर हुए हैं। भूटान सरकार और खोलो गछु हाइड्रो एनर्जी लिमिटेड के बीच 29 जून को भूटान की राजधानी थिम्पू में जल विद्युत परियोजना के समझौते पर हस्ताक्षर हुए। ये समझौते विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर और भूटान के विदेश मंत्री डॉक्टर तंडी दोरजी के वर्चुअल कॉन्फ्रेंसिंग की मौजूदगी में हुए। 600 मेगावाट की यह परियोजना पूर्वी भूटान के त्रासी यांगसे जिले में खोलो गछु नदी की धारा पर बनेगी। तो खोलो गछु नदी का संबंध कहां से है? भूटान से है। और इस पर 600 मेगावाट की परियोजना पर सतलुज जल विद्युत निगम जो है वो मिलकर, भारत सतलुज जल विद्युत निगम मिलकर इसके ऊपर एक 600 मेगावाट की जल विद्युत परियोजना बनाने जा रहा है। कल ही मैंने कहीं पर खबर पढ़ी थी कि चीन ने अब भूटान की भी जमीन पर कब्जा करने की बात की है। एक्चुअल में भूटान और चीन के बीच में सीमा क्लियर नहीं है और ऐसे में UN में उसको अभी तक एक पार्क है जहां पर भूटान ये चाह रहा था, मतलब नेशनल पार्क है, रिजर्व है, वहां पर भूटान ये चाह रहा था कि किसी तरह से उनको फंडिंग मिल जाए और वो पार्क को और अच्छे से विकसित कर सके, क्योंकि UN में भूटान का कोई प्रतिनिधि नहीं है। तो भारत के प्रतिनिधि ने वहां पर अब भूटान का पक्ष रखा और चीन जिस जमीन के ऊपर अपना दावा कर रहा था, जैसे ही वो फंडिंग की बात आई तो चीन ने कहा हम फंडिंग क्यों दें, ये तो हमारी जमीन है। तो ऐसे में वहां पर एक नया बवाल खड़ा हो गया था और इस मुद्दे को भारत के प्रतिनिधि ने बड़े आराम से सुलझा दिया और चीन के दावे को खारिज करवा दिया। यह बड़ी बात थी और एक अच्छी संबंधों की बात नजर आती है भूटान और भारत के बीच में। तो हाल फिलहाल इस योजना को खोलो गछु हाइड्रो एनर्जी लिमिटेड संचालित करेगी या भूटान के ड्रक ग्रीन पावर कॉरपोरेशन और भारत के सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड के बीच बनी संयुक्त उपक्रम कंपनी है। यह परियोजना 2025 तक पूरी होने की संभावना है। भारत और भूटान के प्रधानमंत्रियों ने पिछले वर्ष अगस्त में 720 मेगावाट मांग देछु जल विद्युत परियोजना का भी शुभारंभ किया था। अगर हम बात करें तो अरुण जल विद्युत परियोजना का नाम भी आपको जरूर याद आ रहा होगा। ये भारत और नेपाल के बीच में बनने वाली एक जल विद्युत परियोजना है और वहां पर भी सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड ने ही हाथ लगाया था। अब भूटान का जिक्र छिड़ा है तो पिछले कुछ समय से ऐसा देखा जा रहा है कि खासकर SSC हमारे पड़ोसी देशों में बड़ा रुचि ले रहा है और आजकल जिस तरह से माहौल है पड़ोसी देशों में रुचि होनी भी चाहिए। तो पड़ोसी देश के बारे में काफी सारी जानकारी यहां पर मिलेगी। भूटान की बात करें तो आप देख सकते हैं कि भूटान जो है वो सिक्किम को टच करता है, फिर इधर से ये वेस्ट बंगाल को टच करता है, फिर इधर ये असम को टच करता है और थोड़ा सा आगे जाएंगे तो अरुणाचल प्रदेश को टच करता हुआ नजर आएगा। तो भूटान को टच करने वाले यानी कि छूने वाले 4 भारतीय राज्य हैं जिनको आप ऐसे याद कर सकते हो SAAB, भूटान साहब।
एस फॉर सिक्किम, ए फॉर अरुणाचल प्रदेश, ए फॉर असम, बी फॉर पश्चिम बंगाल। और यहीं पर है एक चुंबी वैली। चुंबी वैली वो जगह है जहां पर चाइना अपना क्लेम ठोकता रहा है, और ये एक देखा जाए तो इसे चिकन नेक वाला जगह कहा जाता है, और ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहां से भारत में बड़ी आसानी से प्रवेश किया जा सकता है अगर भूटान थोड़ी सा सहायता दे दे चीन को। तो इसीलिए भूटान के जो संबंध है भारत के साथ, भारत ने हमेशा भूटान के साथ मित्रवत संबंध बनाए रखा है, और भूटान का अस्तित्व भी जो है वो भारत की वजह से ही है। भूटान जो है अपना नेशनल डे मनाता है 17 दिसंबर 1907 को। ऐसा क्यों? क्योंकि इसी दिन उसके पहले राजा उंगेन वांगचुक ने पुनाखा डोजोंग, पुनाखा जोंग उनमें 1907 में सत्ता पे बैठे थे। भूटान में देखा जाए तो इस समय आपको 20 राज्य देखने को मिलेंगे, यानी 20 स्टेट देखने को मिलेंगे, गासा, पुनखा, भूमथांग, लुसेंचे, मोंगर, ज्वेंगांग, फलाना वलाना, ये याद करने की जरूरत नहीं है। कैपिटल है, लार्जेस्ट सिटी की बात करें तो थिम्पू। इन्होंने अपने मैप में ड्रैगन बना रखा है, नीचे ऑरेंज कलर रखा हुआ है, ऊपर येलो कलर रखा हुआ है। ऑफिशियल लैंग्वेज जो है वो जोंखा है, जो यहां पे बोली जाती है वो जोंखा है। और अगर आप यहां पे धर्म की बात करें तो यहां पे आपको बौद्ध धर्म को मानने वाले ज्यादा लोग मिलेंगे, लगभग 77.4% बौद्ध धर्म मांगने वाले हैं, और 22% हिंदुस्तानी है, हिंदू धर्म मानने वाले। मोनार्ची की बात करें यानी कि जो वर्तमान समय में राजा है वो है जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक। प्रधानमंत्री है लोटे शेरिंग। अपर हाउस को नेशनल काउंसिल कहा जाता है, जबकि लोअर संसद को सोगडू कहा जाता है, जिसमें 55 सीट है। और यहां के राजा को ड्रग ग्याल्पो भी कहा जाता है, जिसे ड्रैगन किंग भी कहते हैं। करेंसी इंपॉर्टेंट, नगलट्रुम या गुलट्रुम भी आप इसे पढ़ सकते हैं। नेशनल एंथम है द थंडर ड्रैगन किंगडम। हाईएस्ट पीक है गंग खर पुएनसम, नाम बड़े अजीब अजीब है, गंग खर पुएनसम। लॉन्गेस्ट रिवर है ड्रांगमेचू। मानस नदी है जो असम से होकर बहती है, वही यहां पर बड़ी नदी है। नेशनल फ्लावर ब्लू पॉपी मिलेगा, और नेशनल ट्री यानी कि राष्ट्रीय वृक्ष आपको साइप्रस, जैसे ही वहां पर सेंडेन भी कहा जाता है। टेकिन बकरी की वंश की प्रजाति है, एक टेकिन बकरी जैसा लगता है, सींगे होती हैं इसकी, ये यहां का राजकीय पशु है। और जबकि रेवन कौवे की तरीके होता है, लेकिन गर्दन पूरी तरह से काली होती है, तो इसे रेवन कहा जाता है। नेशनल बर्ड है, और नेशनल गेम है आर्चरी। बाकी फेमस फेस्टिवल थिम्फू सेचू फेस्टिवल है, और बाकी की जानकारी आपके सामने है। आप इसे बार बार, एक बार नहीं बार बार देखेंगे तो याद हो जाएगा। अगली जानकारी की तरफ चलते हैं, जो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर था कि भारत का पहला कवक पार्क, कवक पार्क ना कहें उसे लाइकेन पार्क कहें तो ज्यादा बेटर होगा। लाइकेन क्या होते हैं? लाइकेन होते तो वनस्पति की श्रेणी में है, लेकिन इन्हें पौधे नहीं माना जाता। कभी कभी आपने देखा होगा कि पुरानी सड़ी हुई लकड़ी पड़ी हुई है तो उसमें हरा हरा कुछ जमाया है, काई भी एक प्रकार का लाइकेन ही है। तो लाइकेन एक तरह की वनस्पति होती है। इनका प्रयोग कई सारी औषधि बनाने में किया जाता है, कलर बनाने में किया जाता है, और भी बहुत सारे इसके औद्योगिक प्रयोग हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट जो इसका प्रयोग है वो है बायो इंडिकेटर के रूप में। व्हाट इज बायो इंडिकेटर? बायो इंडिकेटर क्या होता है? देखिए, कभी कभी प्रदूषण का मामला बढ़ने पर या कुछ और वातावरण में परिवर्तन होने पर कुछ जीव अपने अंदर परिवर्तन लाते हैं। लाइकेन भी इसी तरह की वनस्पति है। अगर प्रदूषण का स्तर बढ़ता है तो ये मरना शुरू हो जाते हैं, ये वहां पर जीवित नहीं रह पाते, और ऐसे में ये पता चलता है ये सबसे पहले प्रदूषण के इंडिकेटर हैं, यानी सबसे पहले प्रदूषण के बारे में जानकारी देने वाले में इनको वर्गीकृत किया जाता है। तो हाल फिलहाल उत्तराखंड ने इनके बारे में जानकारी फैलाने के लिए, इनके बारे में लोगों को बताने के लिए, और इनके वर्गीकरण करने के लिए, इनके ऊपर स्टडी करने के लिए, इनके ऊपर शोध कार्य करने के लिए एक कवक पार्क तैयार किया है। तो उत्तराखंड के वन विभाग ने पिथौरागढ़ जिले के, उत्तराखंड का पिथौरागढ़ जिला के कुमायूं के मुनस्यारी में भारत का पहला कवक पार्क बना है। लाइकेन हिमालय के 5000 मीटर तक की ऊंचाइयों पर उगने वाले एक महत्वपूर्ण प्रजातियों में से है, क्योंकि ये प्रदूषण के स्तर के सबसे अच्छे जैव इंडिकेटर, मतलब बायो इंडिकेटर माने जाते हैं। माफी चाहेंगे, वहां पर प्रिंटिंग मिस्टेक है थोड़ा सा। इस परियोजना का उद्देश्य विभिन्न लाइकेन प्रजातियों के वितरण, उनके निवास, उनके रूपात्मक शारीरिक पहलुओं, सर्वेक्षण और साहित्य की समीक्षा, प्रजातियों के संस्थापन, मानव जाति और जलवायु कारकों सहित उनके रहने के स्थान पर होने वाले वर्तमान खतरों का अध्ययन करना और उपयुक्त संरक्षण रणनीतियों को तैयार करना है। इन जुरासिक युग, ये डायनासोर के जमाने से है, इन जुरासिक युग लाइकेन प्रजातियों का इस्तेमाल भोजन, इत्र, रंजक और पारंपरिक दवाओं बनाने में किया जाता है। उत्तराखंड में लाइकेन की लगभग 600 से अधिक प्रजातियां पाई जाती हैं, और इसके हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर में 503 से लेकर 386 तक प्रजाति पाई जाती है। उत्तराखंड के सीएम है वर्तमान समय में त्रिवेंद्र सिंह रावत, गवर्नर है बेबी रानी मौर्य, और
एक है हरीश रावत, आपने उनका नाम सुना होगा, ये भी उत्तराखंड के नेता हैं, उत्तराखंड से बिलोंग करते हैं। आजकल बड़ा बवाल मचाए हुए हैं पेट्रोल की कीमतें बढ़ने की वजह से, इन्होंने बैलगाड़ी पर सवारी शुरू कर दी और बहुत सारा मतलब चल रहा है, विरोध जता रहे हैं ये। तो ये आजकल राजनीतिक घटनाक्रम चल रहा है। उत्तराखंड से एक जुड़ी हुई सबसे बड़ी न्यूज जो अभी हाल फिलहाल है वो ये कि उत्तराखंड ने अपनी राजधानी को बदल दिया है। देहरादून की जगह अब उनकी राजधानी गैनसेन हो गई, यानी कि ग्रीष्मकालीन राजधानी अलग होगी और शीतकालीन राजधानी अलग होगी। तो ग्रीष्मकालीन राजधानी उन्होंने गैनसेन को बना दिया। गैनसेन अगर आपको मैं लिख के दिखाऊं तो ऐसे लिखा जाएगा। तो ये उत्तराखंड के बारे में। तो पहला कवक पार्क कहां डेवलप किया गया? उत्तराखंड में। और अब एक थोड़ी सुकून वाली न्यूज, आप हंसेंगे इस बात पर लेकिन यकीन मानिए, टिकटॉक बैन होने का सबसे ज्यादा अगर मजा किसी को आया है तो वो मुझे आया। आप समझ सकते हैं भुक्तभोगी हूं मैं, किस तरह से हूं ये मैं कभी डिटेल में नहीं बताऊंगा आपको, लेकिन आप थोड़ा सा अंदाजा लगा सकते हैं। तो हाल फिलहाल केंद्र सरकार ने भारत चीन तनाव के बीच टिकटॉक समेत 59 मोबाइल एप्लीकेशन पर प्रतिबंध लगा दिया है। ऐसा उन्होंने इसलिए किया, उनका कहना है कि जो चाइना का ऐप है वो भारत का डेटा इस्तेमाल कर सकते हैं, इसलिए इन चाइनीज ऐप को भारत में इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। सीधी सी वजह यह है कि जिस तरीके से उन्होंने हमारे 20 जवानों की आहुति ली, जिस तरह से उन्होंने हमारे 20 जवान शहीद किए, उसके जवाब में एक काउंटर पार्ट किया जा रहा है ताकि उनको एक औद्योगिक तौर पर थोड़ी सी चोट पहुंचाई जा सके चाइना को। तो हाल फिलहाल 59 ऐप में यूसी ब्राउजर, जो कि वर्ल्ड बेस्ट ब्राउजर माना जाता है, उसे भी भारत के अंदर बैन कर दिया गया है। तो केंद्र सरकार ने भारत चीन तनाव के बीच टिकटॉक समेत 59 मोबाइल ऐप में प्रतिबंध लगाया है। भारत सरकार की इस सूची में यूसी ब्राउजर भी शामिल है और उसके साथ अन्य मोबाइल ऐप भी शामिल है। आज तारीख है 30 जून, आज कमांडर नहीं 30 जून हो गई, 30 जून के बारे में बात करें तो 30 जून को कमांडर लेवल पर एक बातचीत हो रही है दोनों देशों के बीच में। भारत और चाइना के दोनों कमांडर लेवल के अधिकारी आपस में बातचीत कर रहे हैं और ये इस बार भारतीय सीमा के अंदर हो रही है, पिछली बार ये चीन में हुई थी। फिलहाल देखते हैं इस बातचीत का क्या नतीजा निकलता है। आगे चलते हैं। तो फिलहाल 59 ऐप जो है वो बैन किए गए हैं, कोई खास न्यूज नहीं है, पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं थी, लेकिन फिर भी आपको पता होना चाहिए क्या हो रहा है देश में। तो इसके लिए करंट अफेयर्स में मतलब जरूरी नहीं है कि सब कुछ पढ़ने के लिए जो पेपर में आए वही पढ़ा जाए, थोड़ा थोड़ा ऐसा भी पढ़ लेना चाहिए कि किसी के सामने बोल भी तो पाए, नहीं पता लगा कोई हमसे कहे आगे टिकटॉक बैन हो गया है, टिकटॉक बैन हो गया पता ही नहीं है। तो ये सारी चीजें भी हमें जरूर पता होनी चाहिए। हाँ, अगली जानकारी की तरफ चलते हैं। प्लैटिना प्रोजेक्ट, प्लैटिना मेरे पास भी है प्लैटिना, तो यहां पर भी प्रोजेक्ट प्लैटिना। तो महाराष्ट्र ने अभी हाल ही में प्रोजेक्ट प्लैटिना नाम का एक विश्व का सबसे बड़ा प्लाज्मा थेरेपी ट्रायल शुरू किया है। प्लाज्मा क्या होता है? प्लाज्मा की बात करें तो रक्त में सबसे अधिक प्लाज्मा ही होता है। प्लाज्मा रक्त के 3 घटकों में से एक है और प्लाज्मा में ही एंटीबॉडीज मौजूद होते हैं। एंटीबॉडीज क्या होते हैं? एंटीबॉडीज ऐसे कण या एंटीजेंस को आप कह सकते हैं, ऐसे आप पार्टिकल्स को कह सकते हैं जो आपसे रोग के लड़ने, आपके अंदर रोग से लड़ने की क्षमता को प्रदर्शित करते हैं। तो हाल फिलहाल अभी नजर आया कि जो व्यक्ति कोरोना से जीत गए, यानी कि जिनको कोरोना हुआ और वो कोरोना उनका ठीक हो गया, तो उनके प्लाज्मा के अंदर एंटीबॉडीज डेवलप हो गए, और अगर वो प्लाज्मा किसी और व्यक्ति को दे दिया जाए तो उसके शरीर में भी वो एंटीबॉडीज डेवलप हो जाएंगे, जिसकी वजह से क्या होगा कि वो व्यक्ति भी कोरोना से लड़ पाएगा। तो ऐसे एक ट्रायल शुरू करने जा रही है महाराष्ट्र सरकार। तो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने COVID-19 मरीजों के लिए दुनिया का सबसे बड़ा प्लाज्मा थेरेपी टेस्टिंग प्रोजेक्ट प्लैटिना लॉन्च किया है। राज्य सरकार ने इस परियोजना के लिए मुख्यमंत्री राहत कोष से 1665 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं। इस टेस्टिंग के लिए कुल 21 केंद्र चुने गए हैं, जिनमें महाराष्ट्र सरकार के चिकित्सा शिक्षा और ड्रग्स विभाग और मुंबई में 4 BMC मेडिकल कॉलेज भी शामिल है। इस परियोजना के अंतर्गत गंभीर रोगियों को COVID-19 से रोगियों के लिए एक प्लाज्मा के 200 मिलीलीटर की 2 खुराकें दी जाएंगी। टेस्टिंग परियोजना के तहत सभी कोरोना वायरस रोगियों को मुफ्त में उपचार प्रदान किया जाएगा। क्या बात है! प्लाज्मा रक्त का वह भाग है जिसमें कोरोना वायरस के एंटीबॉडीज होते हैं, जो संक्रमण से लड़के हैं और गंभीर रूप से बीमार रोगियों को ठीक करने में मदद करते हैं। तो बहुत सारी चीजों में हम लोग एंटीबॉडीज का इस्तेमाल करते हैं। आपका जो वैक्सीनेशन है वो भी बेसिकली आपका एंटीबॉडीज पर ही डिपेंड करता है। तो आगे चलते हैं। आप महाराष्ट्र के बारे में भी आपको थोड़ी सी नई जानकारी दे देता हूँ। कुछ अभी हाल फिलहाल महाराष्ट्र चर्चा में क्यों रहा, पिछले महीने महात्मा ज्योतिबा फूले जन आरोग्य योजना जो थी, महाराष्ट्र सरकार ने कहा कि हम इसमें अपने प्रदेश के हर एक व्यक्ति को कवर करेंगे, यानी कि फुल पॉपुलेशन को इसके अंदर कवर किया जाएगा और सस्ता इलाज मुहैया कराया जाएगा। साइबर सेफ वुमेन नाम का एक कैंपेन चलाया था, अभियान चलाया गया था महाराष्ट्र सरकार द्वारा। ये सावित्रीबाई फूले बर्थ एनिवर्सरी पर इसको शुरू किया गया था। शिवसेना जो है, महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने अभी हाल ही में
शिवसेना सरकार है, शिवसेना की सरकार है वहां पर, सिर्फ भोजन स्कीम लॉन्च की थी ताकि जो गरीब व्यक्ति हैं उनको खाना दिया जा सके, उनको भरपेट भोजन प्राप्त हो सके। और इस तरह की जो स्कीम है वो ऑलमोस्ट पूरे वर्ल्ड, पूरे भारत में चल रही है, हर राज्य में चल रही है। इंडिया होस्ट एशिया पैसिफिक ड्रोसोफिला रिसर्च कॉन्फ्रेंस फर्स्ट टाइम। तो ड्रोसोफिला यानी घरेलू मक्खी पर आधारित एशिया प्रशांत क्षेत्र का पहला ड्रोसोफिला सम्मेलन जो है ये आपको पुणे में देखने को मिला था, पहली बार भारत में हुआ और पांचवा था ये, सॉरी पांचवा एडिशन। विश्व दलहन सम्मेलन, दलहन सम्मेलन यानी पल्सेस कॉन्क्लेव जो है ये आपका लोनावाला महाराष्ट्र में हुआ। अभी बापू नाडकर्णी जी का निधन हो गया, उनको हमारे पुराने जमाने का बेहतरीन ऑलराउंडर माना जाता था, सबसे किफायती गेंदबाज माना जाता था, सचिन तेंदुलकर भी इनके फैन थे। इनका अभी हाल ही में 86 साल में निधन हो गया, ये भी आपके महाराष्ट्र से बिलोंग करते थे। और मुंबई को भारत का सबसे बड़ा एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग सिस्टम प्राप्त हुआ दिल्ली के बाद, मतलब दिल्ली को पहले प्राप्त हुआ था फिर बाद में मुंबई वाला बड़ा हो गया, तो अब मुंबई सबसे अच्छा एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग सिस्टम है मुंबई के पास, उसके बाद दिल्ली में है। एमएच असेंबली पास, यानी कि महाराष्ट्र असेंबली ने अभी हाल ही में एक बिल पास किया जिसमें मराठी लैंग्वेज जो है वो हर स्कूल में पढ़ाया जाना कंपलसरी कर गया है। मुंबई की ही एक बेटी है काम्या कार्तिकेन, नौसेना अधिकारी की बेटी है और ये यंगेस्ट यानी कि सबसे छोटी उम्र में वर्ल्ड की साउथ अमेरिका की हाइएस्ट पीक यानी कि माउंट एकागागुआ पर चढ़ने वाली सबसे कम उम्र की लड़की बनी या महिला बनी। महाराष्ट्र सरकार ने अभी हाल ही में औरंगाबाद एयरपोर्ट रेलवे स्टेशन, औरंगाबाद एयरपोर्ट का नाम बदलकर छत्रपति संभाजी महाराज एयरपोर्ट कर दिया है। गुजरात है जिसने डोमेस्टिक सोलर रूफटॉप इंस्टॉलेशन में, यानी कि घरेलू यानी घरों पर जो सोलर रूफटॉप लगाए गए हैं, इन मामलों में गुजरात टॉप पर है जबकि महाराष्ट्र सेकेंड नंबर पर है। जबकि कर्नाटका जो है वो ओवरऑल रूफटॉप लगाने में, यानी कि ओवरऑल जो सोलर पैनल लगाने में कर्नाटका टॉप पर है। मुंबई सेंट्रल स्टेशन का नाम बदल दिया गया है, अब इसका नाम बदल कर दिया नाना शंकर सेठ सेंट्रल रेलवे स्टेशन। जस्टिस दीपांकर दत्ता जो है इनको अभी हाल ही में चीफ जस्टिस ऑफ बॉम्बे हाईकोर्ट बनाया गया है। और पुणे जो है इसने 108वीं इंडियन साइंस कांग्रेस, यानी कि पुणे में 108वीं आपकी भारतीय विज्ञान कांग्रेस का आयोजन किया जाएगा 2021 में। इसकी थीम रहेगी साइंस एंड टेक्नोलॉजी फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट विद वुमेन एम्पावरमेंट QS, जबकि इस बार की जो 107वीं विज्ञान कांग्रेस थी वो बैंगलोर में आयोजित हुई थी। QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2020 में US का MIT जो है उसने टॉप किया है, जबकि IIT बॉम्बे और IIT दिल्ली ने 44वीं और 47वीं रैंक इंजीनियरिंग कॉलेज संस्थानों में पाई है। अब बात करते हैं चीफ मिनिस्टर की, तो उद्धव ठाकरे शिवसेना से बिलोंग करते हैं। गवर्नर है भगत सिंह कोश्यारी, कैपिटल सिटी मुंबई। स्टेट एनिमल है इंडियन जेंट स्क्वेलर, यानी कि बड़ी वाली गिलहरी जो है वो यहाँ की स्टेट एनिमल है, यानी कि राजकीय पशु है। स्टेट बर्ड है येलो फूटेड ग्रीन पिजन, यानी कि पीले पैरों वाला हरा कबूतर। देखा है कभी? देख लेना कभी, फोटो गूगल करोगे तो मिल जाएगा। स्टेट ट्री है मैग्नीफेरा इंडिका, यानी सीधे सीधे नहीं कह सकते हैं आम, मैग्नीफेरा इंडिका बता रहे हैं आम। स्टेट फ्लावर है जरूर, जरूर फ्लावर जो है वो स्टेट फ्लावर है महाराष्ट्र का। तो ये जानकारी रही महाराष्ट्र के बारे में, हिंदी में जानकारी ये है, आप इसे बाद में भी पढ़ सकते हो। अब बात करते हैं न्यूज फटाफट की, फटाफटा से जल्दी जल्दी कर लेते हैं। आयरलैंड में प्रधानमंत्री बदले गए हैं, माइकल मार्टिन को आयरलैंड का नया प्रधानमंत्री चुना गया है, मार्टिन के पक्ष में 93 मत। जब माइकल मार्टिन आयरलैंड के राजनीतिक दल फियाना फॉल पार्टी के नेता हैं और आयरिश संसद के वर्तमान निचले सदन में कुल 160 सीटें हैं। नई सरकार में लियो वराडकर उप प्रधानमंत्री होंगे। आयरलैंड की राजधानी याद है आपको? नहीं याद है? डबलिन। आयरलैंड की राजधानी क्या है? डबलिन। कौन बन गए हैं? माइकल मार्टिन आयरलैंड के नए प्रधानमंत्री बने हैं। अगली जानकारी की तरफ चलते हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने अभी हाल ही में, डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ ईरान ने गिरफ्तारी वारंट जारी कर दिया। ईरान ने कहा इंटरपोल से, यानी कि इंटरनेशनल पुलिस से कहा कि भाई डोनाल्ड ट्रंप को आप गिरफ्तार कर लीजिए, क्योंकि इन्हीं के कहने पर हमारे सेना के कमांडर कासिम सुलेमानी की बगदाद में हत्या की गई थी। और ईरान के वारंट जारी कर देने के बाद इंटरपोल ने, यानी कि जिसे इंटरनेट पुलिस भी कहते हैं, उन्होंने इसको रद्द कर दिया, इस वारंट को रद्द कर दिया। तो हाल फिलहाल इनके खिलाफ कोई भी वारंट जारी नहीं हुआ है। तो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ वारंट जारी करने वाला देश कौन सा है? ईरान। अगली जानकारी हम कर चुके हैं। अगली जानकारी, आनंदीबेन पटेल को मध्य प्रदेश के राज्यपाल का अतिरिक्त कार्यभार सौंपा गया है। आनंदीबेन पटेल उत्तर प्रदेश की राज्यपाल है और उन्हें मध्य प्रदेश के राज्यपाल लालजी टंडन जी का कार्यभार भी सौंप दिया गया है। ऐसा क्यों? क्योंकि लालजी टंडन कुछ कारणों से, कुछ मेडिकल कारणों से, कुछ चिकित्सीय कारणों से अवकाश ग्रहण किए हुए हैं। तो राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने अपनी
ने आनंदीबेन पटेल को मध्य प्रदेश के राज्यपाल नियुक्त किया है। वे इस समय उत्तर प्रदेश की राज्यपाल हैं और श्री लालजी टंडन की अनुपस्थिति में मध्य प्रदेश की राज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार भी संभालेंगे। अंतर्राष्ट्रीय एस्टेरॉयड दिवस मनाया जाता है 30 जून को। एस्टेरॉयड जिन्हें क्षुद्र ग्रह भी कहा जाता है, ये अंतरिक्ष का कचरा भी बोले जाते हैं जो कभी कभी पृथ्वी की ओर आकर्षित होकर गिर जाते हैं। हर साल 30 जून को विश्व स्तर पर इंटरनेशनल एस्टेरॉयड डे यानी कि अंतर्राष्ट्रीय क्षुद्र ग्रह अथवा एस्टेरॉयड दिवस मनाया जाता है। यह दिन लोगों को पृथ्वी पर एस्टेरॉयड के प्रभाव से होने वाले खतरे के बारे में व्यापक रूप से सार्वजनिक जागरूकता बढ़ाने और संकट कार्यों के बारे में बताने के लिए मनाया जाता है। एस्टेरॉयड बड़े पैमाने पर सैकड़ों किलोमीटर विस्तृत क्षेत्र में सूर्य की परिक्रमा करते हैं। एक एस्टेरॉयड कंकड़ से एक दाने से लेकर 600 मील तक की चौड़ाई का हो सकता है और इन्हें सौरमंडल के बचे हुए पदार्थ के रूप में भी जाना जाता है। अगली जानकारी, अंतरराष्ट्रीय पार्लिमेंटिज्म दिवस। हर साल 30 जून को विश्व स्तर पर इंटरनेशनल डे ऑफ पार्लियामेंटरिज्म यानी कि अंतरराष्ट्रीय पार्लियामेंटरिज्म अथवा संसदीय दिवस मनाया जाता है। यह दिवस संसदों को की उनकी प्रक्रियाओं को चिन्हित करने के लिए मनाया जाता है, जिनके द्वारा सरकार की संसदीय प्रणालियां दुनिया भर के लोगों के रोजमर्रा के जीवन को बेहतर बनाती हैं, और अगर यही है जो अच्छे से काम नहीं करें तो पूरा देश बर्बाद भी कर सकती हैं। तो इनकी लिए जागरूकता और इनकी प्रणालियों के महत्व को उजागर करने के लिए हर साल 30 जून को हम अंतर्राष्ट्रीय पार्लियामेंटरिज्म दिवस मनाते हैं। अब बारी है आज के हमारे वन लाइनर की। विश्व बैंक ने 6 भारतीय राज्यों में स्कूली शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के लिए कितने मिलियन डॉलर के ऋण की बात की है, तो 500 मिलियन डॉलर के ऋणों को मंजूरी दी है। भारत ने 29 जून 2020 को पहली संयुक्त उद्यम जल विद्युत परियोजना के साथ भूटान के साथ हस्ताक्षर किए हैं। किस राज्य के तकरीबन 13,000 सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यमों की सहायता करने के लिए एट वन क्लिक नाम से एक पहल की शुरुआत की गई है, गुजरात में। हाल ही में किसको 2020-21 के सत्र के लिए अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के अंपायरों की एलीट पैनल में शामिल किया गया है, तो नितिन मेनन है। किस राज्य ने भारत का पहला कवक पार्क विकसित किया है, तो उत्तराखंड। और किस देश ने हाल ही में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ एक गिरफ्तारी वारंट जारी किया था, तो वो है ईरान। केंद्र सरकार ने भारत चीन तनाव के बीच कितने चीनी मोबाइल ऐप पर प्रतिबंध लगाए हैं, तो 59 चीनी ऐप पर मोबाइल पर प्रतिबंध लगा दिए हैं। और किस राज्य में कोविड-19 मरीजों के लिए दुनिया का सबसे बड़ा प्लाज्मा थेरेपी टेस्टिंग प्रोजेक्ट प्लेटिना लॉन्च किया गया है, तो प्रोजेक्ट प्लेटिना प्लाज्मा टेस्टिंग एक अभियान है और ये किसने लॉन्च किया है, ये प्रोजेक्ट महाराष्ट्र सरकार ने लॉन्च किया है। तो किसको आयरलैंड का नया प्रधानमंत्री चुना गया है, माइकल मार्टिन को। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किसको मध्य प्रदेश का राज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार संभालने के लिए कहा है, तो वो है आनंदीबेन पटेल। यानी आगे वाले आने वाले कुछ महीनों तक जो है वो आनंदीबेन पटेल आपकी मध्य प्रदेश की भी राज्यपाल रहेंगी। विश्व स्तर पर एस्टेरॉयड दिवस कब मनाया जाता है, 30 जून को। और विश्व स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय संसदीय दिवस कब मनाया जाता है, 30 जून को। अब बारी है आज के हमारे क्विज की। क्विज में बात करते हैं, विश्व बैंक ने 6 भारतीय राज्यों में स्कूली शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के लिए कितने यूएसडी डॉलर के ऋणों को मंजूरी दी है, तो 500 मिलियन यूएसडी डॉलर के ऋणों को मंजूरी दी है। भारत ने 29 जून 2020 को पहली संयुक्त उद्यम जल विद्युत परियोजना किस पर हस्ताक्षर किए हैं, तो भूटान के साथ हस्ताक्षर किए हैं। किस राज्य के तकरीबन 13,000 सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यमों की सहायता करने के लिए एट वन क्लिक नाम से एक पहल शुरू की गई है, तो ये गुजरात सरकार ने शुरू की है। हाल ही में किसको 2020-21 सत्र के लिए अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के अंपायरों के एलीट पैनल में शामिल किया गया है, तो वो है नितिन मेनन। किस राज्य में भारत का पहला कवक पार्क विकसित किया जा रहा है, तो वो है उत्तराखंड, कहां, पिथौरागढ़ में। केंद्र सरकार ने भारत चीन तनाव के बीच कितने चीनी मोबाइल ऐप पर प्रतिबंध लगा दिया है, तो 59 चीनी मोबाइल ऐप पर प्रतिबंध लगा दिया है। किस राज्य ने कोविड-19 मरीजों के लिए दुनिया का सबसे बड़ा प्लाज्मा थेरेपी टेस्टिंग प्रोजेक्ट प्लेटिना लॉन्च किया है, तो यह है महाराष्ट्र सरकार। किसको आयरलैंड का नया प्रधानमंत्री चुना गया है, तो उनका नाम है माइकल मार्टिन। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किसको मध्य प्रदेश के राज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार संभालने के लिए कहा है, तो वो है आनंदीबेन पटेल, उत्तर प्रदेश की राज्यपाल। विश्व स्तर पर एस्टेरॉयड दिवस कब मनाया जाता है, 30 जून को। विश्व स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय संसदीय दिवस कब मनाया जाता है, 30 जून को। तो दोस्तों ये रहे आज के हमारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। अच्छा, एक और रह गया, किस देश ने हाल ही में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया है, तो वो है ईरान। अब खत्म। तो हाल फिलहाल ये रहे आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स, और उम्मीद करते हैं कि ये करंट अफेयर्स आपको पसंद आए होंगे। अभी के लिए इतना ही रखता हूं, थैंक यू सो मच, बाय बाय, ध्यान रखिएगा अपना।